नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। मैं रजत रस्तोगी आज इसी सीरीज में आपको इतिहास पढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। और आज हम GS की इस सीरीज में आज हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ कि इतिहास क्या है, क्यों पढ़ते हैं इतिहास। कई सारे प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास को क्यों पढ़ेंगे, इतिहास से हमारा क्या फायदा होगा। ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। इतिहास पर अगर मैं दृष्टिपात करता हूं कि इतिहास क्या है, तो इतिहास कुछ नहीं, इतिहास वर्तमान और भूतकाल दोनों के बीच एक संवाद स्थापित करने का जरिया है। अब आप ये मान के चलिए कि संवाद स्थापित करने के लिए इतिहास विषय को चुना गया, आखिर क्यों। मान लीजिए मैं आपको यहां पढ़ाने के लिए आया हूं और अचानक यहां क्या होता है कि ये बिल्डिंग जो है ये पूरी गिर जाती है। कई हजार वर्षों के बाद यहां खुदाई हुई और खुदाई होकर पता चला कि एक कंकाल यहां मार्कर लेके खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस चीज का पता लगाया कि कोई है जो पढ़ा रहा था, दूसरे ने पता लगाया कि कोई है जो सुल्फा पी रहा था। तो मेरे बच्चों, हम पुरातात्विक साक्ष्यों से, साहित्यिक शास्त्रों से और अभिलेखों से, पत्रों से, जिस भी साक्ष्य से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, हम उसे एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद हम उस विषय की सारगर्भिता को, हम उस विषय की प्रासंगिकता को वर्तमान में बनाए रखते हैं। इतिहास का इतना ही यहां तात्पर्य है। अब सवाल उठता है कि इतिहास को पढ़ते क्यों है। तो इतिहास को पढ़ते हैं चूंकि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के सफर में इतिहास के वेटर्स को आप नकार नहीं सकते, इतिहास की प्रासंगिकता को आप नकार नहीं सकते। इसकी रेलेवेंट इतनी है कि वन डे एग्जाम में तो 15-15-20 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चनों में से मिलते हैं, और यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में भारी वेटेज के साथ इतिहास हमें देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि इतिहास को पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें किसी विषय को पढ़ने का नजरिया नहीं पता होगा तो हम इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रख पाएंगे। आमतौर पर बच्चे करते क्या है, इतिहास में बच्चे तथ्यों का संकलन करते हैं, और मात्र तथ्यों का संकलन करना ही वो उसे अपने आप को इतिहास समझते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक घटना आपके सामने आपने सुनी हो कभी बचपन में कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो बच्चों ने उसे रट लिया कि यह घटना 1526 में हुई। अब सवाल यह उठता है कि केवल क्या तारीखों को रटना ही इतिहास है, इस घटना का कारण नहीं जानना कि आखिर यह क्यों हुई, इसी समय पर ऐसा क्या हुआ कि पानीपत जैसा भीषण युद्ध इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयों में देखना पड़ा, आखिर क्या कारण है। और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि इतिहास को पढ़ने का नजरिया, आप सोशल साइंस को कैसे पढ़ते हैं, आप उसको तथ्य की तरह रटते चले जाते हैं, जबकि वो तरीका बिल्कुल गलत है। आपको एक क्रमबद्ध स्टडी करनी है। क्रमबद्ध स्टडी के लिए आपको पूरे बैक से जाकर पूरे पीछे पाषाण काल से शुरुआत करोगे, और पाषाण काल से जब आप इसे शुरुआत करते करते आधुनिक काल तक आओगे तो बच्चों एक भी ऐसी घटना होगी जो आप मेरी क्लास में याद ना कर पाओ, ऐसा असंभव होगा। आप मेरी क्लास को शुरू से अटेंड करते चलिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मेरी क्लास मात्र से ही आपको इतिहास के सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इस क्लास के जरिए से, चाहे वो डेटा कॉन्सेप्चुअल हो और चाहे वो डेटा फैक्चुअल हो, मैं सब आपको यहां क्लास रूम में अवेलेबल कराऊंगा। अब मैं यहां शुरुआत करता हूं कि इतिहास को पढ़ने का हमने तरीका जान लिया, इतिहास को क्यों पढ़ते हैं हमने ये पता कर लिया। अब इतिहास में हमें स्टार्टिंग, इतिहास का हमारा प्रारंभिक फेज क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा हम यहां अवलोकन करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं और उम्मीद है मुझे कि आप थोड़ा सा चंद मिनटों में आप ये जान पाए कि इतिहास को पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए, और इतिहास के लिए अब हम यहां चलिए। आइए बच्चों, देखिए
इतिहास। जब हम इतिहास को का वर्गीकरण करते हैं तो अनेक इतिहासकारों ने वर्गीकरण के अपने अलग अलग आयाम हमारे सामने प्रस्तुत किए। हम लोग इतिहास को तीन कालखंडों में, हर किताब में हमें तीन कालखंडों में इतिहास का वर्गीकरण मिलता है देखने के लिए। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। देखिए अभी वर्तमान में आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास को के चैप्टरों को एनसीईआरटी की किताबों में से हटाया गया है। तो मैं मानता हूं और आप भी इस चीज को नकार नहीं सकते कि मध्यकालीन इतिहास का जो वेटेज है वो अब आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो कम हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ, तो इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। लेकिन चूंकि हमें कड़िए जोड़नी है तो हम इसे नकारेंगे नहीं है, हम इसे भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राचीन इतिहास का कालखंड क्या है, कहाँ से ये शुरुआत होती है और कहाँ तक ये जाएगा। तो प्राचीन इतिहास के बारे में जब मैं अवलोकन करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले पाषाण काल से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे और पाषाण काल से हम लोग लगभग 1206 तक, 1200 ईस्वी तक हम लोग जाएंगे। 1206 से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी और तुर्की शासन आने के बाद यहां 1526 तक मुगल काल आ जाएगा। और इस मुगल काल को मैं दो कालखंड में यदि बांट दूं मध्यकालीन भारत को, तो ये और उसके बाद ये 1526 से 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक, ये कालखंड हमारा मध्यकालीन भारत का होगा। आधुनिक इतिहास जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा रिलेवेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका कालखंड हम 1707 से लगाकर और वर्तमान तक हम इसे लेंगे। एक छोटा छोटा मोटा मोटा सा एक अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कालखंड वर्गीकृत होता है, इसके लिए कोई ज्यादा जद्दोजहद में नहीं आना कि उस किताब में ऐसे लिखा था पाषाण काल से 1000 ईस्वी तक या 700 ईस्वी तक। मैंने एक मोटा मोटा कालखंड बताया ताकि आपको एक पढ़ने का नजरिया पता चल जाए कि हमें क्या क्रम रहेगा हमारा पढ़ने का। उम्मीद करता हूं शायद ये चीज आपको पता चल गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। मैं आपको प्राचीन इतिहास से बताना शुरू करता हूं। प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास की यदि मैं पृष्ठभूमि बताऊं आपको, हम बच्चों एक बात याद रखना, हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो आधुनिक भारत से करेंगे। आधुनिक भारत एक अपना अलग कालखंड है, लेकिन मैं इसको आधुनिक भारत को पढ़ाने के लिए आपको पहले प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, फिर मैं आपको मध्यकालीन भारत की थोड़ी जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं आधुनिक भारत के इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। प्राचीन इतिहास में जब हम नजर डालते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो कालखंड आता है वो कालखंड है पाषाण काल। एक मोटा मोटा आप समझिए केवल एक रूपरेखा कि नंबर एक पाषाण काल, नंबर दो आता है इसके बाद हड़प्पा सभ्यता। केवल आप क्रम समझिए, तारीखों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इतना हमें पता चल जाए कि किस काल के बाद में कौन सा काल हमारे सामने हमें पढ़ना है, कौन सी सभ्यता में पढ़नी है। पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद जो हम अगला हमारा फेज होगा वो होगा वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जब हम अपना पढ़ के खत्म करते हैं तो वैदिक काल के विरोध में ही हमारे सामने बौद्ध और जैन आंदोलन
ये एक तरीके के धार्मिक आंदोलन है। तो वैदिक काल के बाद में हमारे सामने बौद्ध और जैन आंदोलन आएंगे। बौद्ध और जैन के आंदोलन के बाद महाजनपद काल शुरू हो जाता है, 16 महाजनपदों का काल होगा। मैं केवल आज आपको एक समरी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को एक क्रम पता चल जाए। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके कालखंड के साथ, इसके समय के साथ, इसकी घटनाओं के साथ, हर काल को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें यह पता चल जाए कि हम आधुनिक भारत की जर्नी शुरू जब करें तो हमें इतना पता चल जाए कि क्या कालखंड हमारे सामने मौजूद है। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद काल। 16 महाजनपद काल के बाद में इन 16 महाजनपदों में एक जनपद एक बहुत बड़ा रूप लेगा, वहीं से एक काल शुरू होगा मौर्य काल। मौर्य के तुरंत बाद अगला जो काल हम प्राचीन इतिहास से पढ़ेंगे वो है मौर्योत्तर काल। इनके कालखंड पर भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद आएगा गुप्त काल, गुप्त काल के बाद आएगा गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल के बाद में एक वैक्यूम आ जाएगा भारतीय इतिहास में। हर्षवर्धन कन्नौज की गद्दी पर और कन्नौज की गद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष गुप्तोत्तर काल के बाद, और यहां से फिर हमारा एक इतिहास को बांटने का नजरिया कुछ अलग हो जाएगा। गुप्तोत्तर के तुरंत बाद, गुप्तोत्तर के तुरंत बाद हमारा, गुप्तोत्तर के तुरंत बाद हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में एंट्री करेंगे संगम काल में। उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष और उसके बाद आक्रमण, बाह्य आक्रमण, भारत की उत्तर पश्चिम से भारत पर बाह्य आक्रमण का प्रकोप शुरू हो जाएगा। यह गुप्तोत्तर काल है। गुप्तोत्तर काल के बाद में हमने ये चीज आपको बता दी। उसके बाद आक्रमण होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम, गजनी के बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान वाला घटना, तराइन का युद्ध, और उसके तुरंत बाद फिर हम मध्यकालीन भारत का अंश शुरू करेंगे। ये प्राचीन का है, आप साथ साथ नोट करते चलना ताकि आप लोगों को केवल एक बेसिक फंडामेंटल खांचा आपके दिमाग में फिट हो जाए। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, ना तारीख याद कराना उद्देश्य है, ना ये बताना कि आज क्या करना है, बस एक छोटा सा एक ओवरव्यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल कालखंड पे ही सवाल आ जाते हैं किसके बाद कौन सा काल आया हमारे वनडे एग्जाम के अंदर। तो खासकर जब मैं मध्यकालीन भारत के अंदर प्रवेश करता हूं तो 1206 में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करेगा। तुर्की वंश, कई सारे वंश यहां आएंगे, खिलजी, सैयद, तुगलक, इन सब वंशों के बाद 1526 की घटना को हम नकार नहीं सकते क्योंकि ये कुछ ट्रांजिशन फेज है जो घटना दर घटना में याद रखनी पड़ेगी। और 1526 में अंतिम लोधी वंश का शासक, उसे बाबर भारत में एंट्री करके पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर देगा। 1526 की घटना, उसके बाद यहां मुगल सल्तनत शुरू हो जाएगी। और मुगल सल्तनत में पहले बाबर के जस्ट बाद बाबर का पुत्र हुमायूं के तुरंत बाद अकबर का कालखंड शुरू हो जाएगा। अकबर के तुरंत बाद जहांगीर का काल शुरू हो जाएगा। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के चार पुत्रों में सबसे शानदार पुत्र औरंगजेब, कौन भूल सकता है, आखिर में अपने पिताजी को ही जेल में मरवाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। औरंगजेब दक्षिण का अभियान करने चले जाएंगे और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। औरंगजेब की तुरंत मृत्यु होने के बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चों, उत्तर मुगल काल के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, इस घटना के बाद यदि मैं आपको बताऊं, उत्तर मुगल काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू होगा और 1707 से 1712 बहादुर शाह प्रथम नाम का मुगल गद्दी पर बैठेगा। इसके तुरंत बाद जहांगीर शाह, क्योंकि इसमें एक एक काल हमें याद रखने पड़ेंगे,
ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट शुरू हो जाएगा। केवल एक ओवर व्यू मिल रहा है आप लोगों को, जहादर शाह के बाद फरूक शियर के बाद मोहम्मद शाह, इतिहास में रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है ये शाह साहब। कुछ कारनामे हैं इनके, जब आएगी क्लास तो बताएंगे शाह साहब की क्लास कैसी है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, और इस तरीके से धीरे धीरे ये क्रम चलता चला जाएगा और अंत में हो जाएगी 1857 की क्रांति। और उस क्रांति में जो अंतिम मुगल सम्राट जो बचा कुछ ही, उसके पास इज्जत थी, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इन्हें रंगून भेज देंगे अंग्रेज और वहीं इनका इंतकाल, ये खुदा को प्यारे हो जाएंगे। मेरे बच्चों, ये थोड़ा सा उत्तर मुगल काल के बारे में बताया, फिर 1857 की क्रांति, और उस क्रांति के बाद एक नया कालखंड इतिहास में जुड़ना शुरू हो जाएगा। और क्रांति के कालखंड के बाद हम आपको आधुनिक भारत की क्लास में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद थोड़ा बहुत आपको, ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज इतिहास के बारे में। ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिन्हें कोई जानकारी इतिहास की नहीं है, जो इतिहास के विषय की गंभीरता को नहीं समझते, उनके लिए थोड़ा सा ज्ञान आज मैंने आपके सामने किया। हम लोग डेली क्लास करेंगे, प्राचीन भारत से शुरू कर आधुनिक भारत तक जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग आधुनिक भारत का, चूंकि वेटेज ज्यादा है और आने वाली आगामी परीक्षाओं में इतिहास की प्रासंगिकता को आप नकार नहीं सकते, इसलिए आप आधुनिक भारत की क्लास कल से नित्य समय पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।